यहाँ पे कल्प अपना खेल रहा है चम्मच चश्मा बना ले तेरे, अरे तो खाली फूट गए। तो ये तुअर दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके इसको थोड़ी आधा घंटा के लिए भिगोने के लिए रख देती हूँ, तो इसका मैं सांभर बनाने में यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने इडली का कुकर निकाला है, पहले मैं इडली लगा देती हूँ क्योंकि इसको टाइम लगता है बनाने में, और चटनी बनाऊँगी बाद में। फिर ये परमेंट हो गया अच्छे से, तो इसको जब मैंने पीसा था तब इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो अभी मैं हल्का सा थोड़ा सा इनो ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए स्मूथ है बैटर एकदम। तो ये रेडी है, हो गया लगा के। अब इसको मैं बंद कर दूंगी और इसके ऊपर कुछ तो रखूंगी हेवी, ताकि जो भाप है वो अंदर ही रहे, और ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में तो ये रेडी हो जाता है। मीडियम कर दूंगी गैस को बाद में। तो अब मुझे तैयारी करनी है चटनी बनाने की, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी कोकोनट, ड्राई कोकोनट है। अगर आपके पास वेट कोकोनट है, हिला नारियल, तो वो सबसे ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो इससे भी काम चल जाता है और अच्छी बनती है चटनी। तो ये इतना मैंने ले लिया ड्राई कोकोनट, और इसमें जाएंगे थोड़े से पीनट्स, ज़्यादा नहीं, थोड़े से 4-5 लहसुन की कलियाँ, ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से डालिए, मैं बस 2 ही डाल रही हूँ। तो ये मुट्ठी भर के मैं धनिया डाल रही हूँ, चना दाल है रोस्टेड है, ये थोड़ी सी ऐड कर दूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शक्कर बैलेंस के लिए, नमक अपने हिसाब से, थोड़ा सा नींबू, लास्ट में ऐड करूंगी मैं दही। तो ये रेडी है, अब इसमें पानी ऐड करूंगी मैं। और तो तड़के के लिए ज़्यादा कुछ लगता नहीं, ऑयल, उसके बाद मस्टर्ड, हींग और करी लीव्स, बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मस्टर्ड फूटने के बाद हींग, करी लीव्स, बस हो गया। इसको मैंने बंद कर दिया गैस को, अब ये जाएगा चटनी में। तो ये चटनी रेडी है। तो ये सांभर के लिए मैंने जो दाल भिगोई थी उसको ले लिया एक बर्तन में, और यहाँ पर मैंने बैंगन, ओनियन और ये भोपड़ा, ये 3 चीज़ें ले ली है, और ये दाल भी गोई हुई। अभी इसको मैं कुकर में सीटी लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये इडली का पहला वाला बैच निकाल लिया, इसमें से कल्प ने 2 खा भी लिए, और ये यहाँ पे दूसरा बैच लगाने के लिए रखा है। ये सांभर बन गया है, अभी इसमें सिर्फ तड़का लगाना बाकी है और धनिया पत्ता काट के डालना बाकी है। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सांभर की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन शायद मैंने शेयर की है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कभी बताऊँगी। बहुत अच्छा सांभर बनता है और इजी वे से मैं बनाती हूँ। ये कुछ मैंने नमक डाल के ऐड करके रखा था, तो ये थोड़ा सा ही बाकी है, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ढोसे बना देती हूँ, ताकि इसको फिर फ्रिज में स्टोर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर है, और थोड़ा सा आटा। तो अभी इसकी राह देख रही हूँ मैं, इसमें भी थोड़ी देर में तड़का लगा देती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया, मेरी मम्मी ने
बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए जितने थे। तो खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, देखिए 9:10-9:15 होने को है अभी। तो अभी हम खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे, और मम्मी है तो थोड़ी बहुत हेल्प बीच बीच में अभी हो जाती है, इतना ज़्यादा भी मतलब टाइम नहीं लगता, ज़्यादा नहीं करती मम्मी, मतलब मैं ही नहीं करवाती, बस थोड़े से 2-4 बर्तन वगैरह क्लीन करते, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तो ऑलमोस्ट हो गया, इतने टाइम में ही हो जाता, लेकिन वो पड़ोस वाली एक लड़की है वो आ गई थी, उसका थोड़ा सा काम था इस वजह से, तो थोड़ा सा और टाइम लग गया मुझे। तो आप सब लोग कैसे कर रहे हो अपने घर पे, और लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो ऐसे मत कीजिएगा कि अनसब्सक्राइब, वैसे तो किसी ने किया नहीं ऐसा कुछ। और अगर कोई नया मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर आपने एंजॉय किया है वीडियो को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में फिर। यहाँ पे आज दीप पूजा की थी मैंने, तो उसका वीडियो सुबह शूट नहीं किया था, तो ये इस तरह से हम करते हैं, मतलब जितने भी दिए हैं, जितने भी पॉसिबल है घर में, वो सारे क्लीन किए जाते हैं, और उसके बाद गैस जो होता है मतलब चूल्हा, वो भी पूरा क्लीन किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो सुबह मैंने ये जो नैवेद्य बनाया था वो रखा था, और ये जो ज्वार जो होता है, ज्वार उसकी ये बनाए जाते हैं, अब इसको लाया बोलते हम वहाँ पॉपकॉर्न, तो कॉर्न के जो बनते हैं वही ज्वार के बनते हैं। देखें ये कुछ फूटे नहीं है, वैसे ही रखे हैं मम्मी ने, तो ये इसका नैवेद्य, और मैंने दिया वगैरह लगाया था, अभी वो बंद हो गया। तो ये पूजा भी की थी आज हमने, बटरफ्लाई। तो अभी 10:40 होने को है, और अभी अभी काम ख़त्म किया मैंने सब, अभी लेंस निकालनी है, अभी वो काम बाकी है, और स्किन केयर भी करना है, चेहरा वगैरह क्लीन करके। मेरा चेहरा बहुत ख़राब हो गया है कोरोना के इसमें, क्योंकि मैं जैसे कि लास्ट वीडियो में भी 2-3 बार बोला है कि कुछ रूटीन ही नहीं है, कभी भी उठो कभी भी सो, तो उस चक्कर में फिर रूटीन का भी कुछ नहीं होता। लेकिन अभी मैंने कल परसों शायद मास्क वगैरह बना के लगाया था, तो अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट भी किया है, और पार्लर वगैरह सब बंद है, तो ये थ्रेडिंग वगैरह वो भी सब कुछ बढ़ गया है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बाद में किया तो भी चलेगा। तो अभी बाकी का तो काम ख़त्म कर दिया मैंने, भी सो जाती हूँ ताकि सुबह फिर मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं उठती मैं वैसे भी, क्योंकि हस्बैंड का भी ऑफिस बंद है, तो मतलब अभी 23 तक 24 से वो शायद जाना स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी 3 ही दिन बाकी है, ज़्यादा नहीं है, तो उसके बाद तो उठना ही पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं 7 बजे उठ रही हूँ सुबह, फिर उसके बाद पूरा काम वगैरह सब करती हूँ, दोपहर हो जाती है काम करते करते, 1:30 बज जाता है, उसके बाद फिर खाना खा के सो जाओ, फिर शाम को उठो, और वही रूटीन चाय और खाना यही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना के अच्छा लगा, और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था बात करने में, तो चले जो भी है, कुछ कमियां होगी तो सुधर जाएंगी, आप भी समझ सकते हो। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप सबके साथ एक नए व्लॉग में। हमेशा मैं बोलती हूँ कि किसी नए टॉपिक के साथ, लेकिन अभी कोरोना में तो शायद टॉपिक नहीं, लेकिन ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं कुछ रेसिपी वगैरह इस तरह से कुछ दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।